अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर जो पहली ईंट एक साल पहले रखी गई थी उसकी शुरुआत आज देखने को मिली। आज भी लगभग ऐसा ही एक बड़ा भव्य आयोजन किया गया जिसमें इसकी झांकी देखने को मिली। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भूमि पूजन को अब एक साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर उसका निर्माण कार्य शुरू किया था और अब ये उम्मीद जताई जा रही है 2023 तक भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे और 2025 तक पूरा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एक साल पहले 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी और अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। इस दौरान इंजीनियर्स के सामने कुछ तकनीकी चुनौतियां भी आ रही हैं, लेकिन उन सभी चुनौतियों पर जीत हासिल कर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस मंदिर की खासियत क्या है, कैसे हो रहा मंदिर निर्माण। मंदिर का निर्माण ईंट की बजाय पत्थर की तराशी गई शिलाओं से हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर की आयु 1000 साल चाहता है। इसी के चलते मंदिर के बुनियादी पिलर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों की सलाह पर बालू में पिलर को बोर किया जाएगा। जांच के बाद चुनी गई है पत्थर की गिट्टी और मोरंग। सीमेंट की क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें अलग से मिलाया जाएगा केमिकल। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए 1200 स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। चांदी की पत्तियों से जोड़े जाएंगे पिलर। फाउंडेशन तैयार होने के बाद तराशे गए पत्थरों की शिलाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। पत्थर की शिलाएं इस तरह तैयार की गई हैं कि वे एक दूसरे के खांचों में फिट हो जाएं। पिलर जोड़ने के लिए किया जाएगा चांदी की पत्तियों का इस्तेमाल। मंदिर निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना है वो अलग अलग विशेषताओं से परिपूर्ण है। आइए आपको बताते हैं कि देश के किस कोने से कौन सा पत्थर मंगवाया गया है, साथ ही इस पत्थर की क्या खूबी है। पत्थरों से हो रहा मंदिर निर्माण। राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गांव से मंगवाए गए हैं पत्थर। ये पत्थर देखने में हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और सुंदर लगते हैं। मंदिर निर्माण के लिए कुल 4 लाख क्यूबिक फुट पत्थर की जरूरत है। मंदिर के चौखट बाजू में मकराना के सफेद उच्च कोटि के मार्बल को लगाया जाएगा। पानी के रिसाव से प्लिंथ को बचाने के लिए 3 लेयर में ललितपुर के ग्रेनाइट पत्थर बिछाए जाएंगे। मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराश कर रखा गया है। संपूर्ण मंदिर के निर्माण में मकराना मार्बल के 30 चौखट बाजू लगाए जाएंगे। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बनाने की तैयारी है, जिसके लिए मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई तक को बढ़ा दिया गया है। इस बार के मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। कैसा होगा नया राम मंदिर? मुख्य शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर के आधार को भी बढ़ा दिया गया। मंदिर में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु बैठ सकेंगे। गर्भगृह के आसपास बनाए जाएंगे गुंबद। राम मंदिर के भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार, रंग मंडप बनेगा। मंदिर में कुल 212 स्तंभ होंगे, 106 पहली मंजिल पर और दूसरी बाकी मंजिल पर। हर खंभे में 16 मूर्तियां होंगी और मंदिर में 2 चबूतरे भी होंगे। इस मंदिर के लिए लोगों ने जितना इंतजार किया है उसी का नतीजा है इस मंदिर का निर्माण उतना ही भव्य हो रहा है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, शायद ये वही फल है। यही वजह है कि इस मंदिर का निर्माण अब जल्द से जल्द पूरा किया जाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी को लेकर एक भव्य आयोजन भी आज देखने को मिला।
अयोध्या और वाराणसी में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से एक भव्य आयोजन हुआ है उसकी एक झांकी भी देखी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे, बहुत सी बातें कही गई। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए, उनसे बात कहेंगे। राजकुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि 5 सदियों का लंबा इंतजार अब पूरा होने को है, 2023 तक गर्भगृह बन जाएगा और 2025 में भगवान राम के दर्शन पूरा विश्व कर पाएगा। बिल्कुल सांची, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर को बनाने का संकल्प पूरा होने की ओर अग्रसर है और आज पहली वर्षगांठ है जब पहली ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में उस स्थल पर रखी थी जहां पे भगवान राम का ये मंदिर बन रहा है। आज इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की ओर बिल्कुल इसकी तैयारियाँ पिछले एक महीने से चल रही थी और इस कार्यक्रम को आज देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भावनात्मक चीज़ें आती हैं सामने तो वो एक नायाब चीज़ें बनती हैं और इस मंदिर को और भव्य बनाने के लिए हालांकि कितने सारे अड़चनें लगातार आ रही हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी, लेकिन वहाँ काम प्रभावित ना हो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन पूरे तरीके से लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से अपने भाषण में बधाई दी, शुभकामना दी प्रधानमंत्री को कि उनके मार्गदर्शन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि डबल इंजन की जो सरकार इस समय चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसकी अगुवाई कर रहे हैं और पीछे से उसको धक्का लगाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपने समयबद्ध तरीके से सरकार की पूरी प्राथमिकता है। अच्छा राजकुमार, ऐसे समय में हम निश्चित तौर पर जिक्र भव्य राम मंदिर का कर रहे हैं, हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर निर्माण कार्य में सरकार जुटी हुई है, लेकिन आज के दिन जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र कोर्ट का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो 2019 का वो बड़ा फैसला नहीं होता और उसके बाद ये कार्य इतनी जल्दी तेजी से पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल सांची, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए पूरे दुनिया में 350 जो देश हैं उन देशों में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश को चलाने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हालांकि जिस तरीके के सरकार, जिस तरीके से सरकारें बनती हैं और सरकार कई बार अगर और अन्य देशों की बात करें, अगर कट्टरपंथ की बात करें तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक पूरी दुनिया को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हम पूरे तरीके से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। लंबी प्रक्रिया थी क्योंकि 6 दिसंबर 1992 का वो दिन अगर स्मरण करें कि जिस समय कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी और गुम्मद ढा दिए थे, उसको कहीं ना कहीं भावनात्मक एक वो टकराव था, उसके बाद तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से पक्ष बने और तकरीबन 3000 से ज़्यादा इस पर दलीलें दी गई और उन पर तारीखें लगी और तमाम तरह के जिस तरीके का ये रास्ता एक भाईचारे का बीच का रास्ता एक सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ और एक मैसेज देने का प्रयास है कि यहाँ जो कुछ होगा हिंदुस्तान के अंदर वो कहीं ना कहीं कानून और नियम और कायदे कानूनों के दायरे में होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि एक लंबा संघर्ष था, उस लंबे संघर्ष में ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन इन सबके बीच जब हम सरकार की भूमिका का जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र सनातन धर्म का भी होना चाहिए जिसने इतने लंबे संघर्ष को लड़ा है। कई राजनीतिक पार्टी अपनी भूमिका निभा करके चली गई और अब निभा भी रही हैं, सभी अपने अपने दायित्व जरूर निभा रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म की प्रतिबद्धता थी जिसके बाद यह बड़ा फैसला हुआ और आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। बिल्कुल सांची, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देते हैं, एक त्याग का मैसेज देते हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने पिता की एक आज्ञा को लेकर और पूरे वन आप देखिए, किसी अगर आप इसको स्मरण करने का प्रयास करें, किसी का राज तिलक हो रहा हो और उसको वनवास हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें वो एक शिक्षा देते हैं कि हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए और जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो जन्म स्थल है वहाँ पर अगर उनका मंदिर बनेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सनातन धर्म और जो लोग वहाँ जाएंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, किसी अगर मंदिर में हम जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धर्म के स्थल पर अगर जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कहीं ना कहीं हमें एक समाज में भाईचारा, प्रेम, त्याग, बलिदान और उसके सारे जितने भी वो हैं भगवान राम की जितनी भी लीला है, अगर उसको शुरू से अंत तक हम देखें तो कितने
उसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के निकले। तो हमें कहीं ना कहीं ये एक तालीम देती है, एक शिक्षा देती है कि हमें हमेशा समाज के बेहतरी के लिए प्रयास करने चाहिए और अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ आगे लेके चलना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो गया, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे समय में आपसी सौहार्द कभी खराब नहीं हुआ और अयोध्या का तो चौमुखी विकास हो गया है। अगर हम इस फैसले के बाद से सरकार की प्रतिबद्धता का ही जिक्र करें राजकुमार, तो अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी है और अब वाकई जहां जाते हैं, जब अयोध्या के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अपने आप में एक एक कोना भगवान राम के जयकारों से गूंज उठते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक सोच होती है, कहीं ना कहीं सांची अगर हम देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें तो मुख्यमंत्री, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, बिल्कुल स्पष्टवादिता, जो कहना है सो करना है, चाहे कुंभ का दौर रहा हो। कुंभ के दौर में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, सरकारें चाहे जो भी रही हो, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता क्या होती है, सरकार का समर्पण क्या होता है, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, पिछले 4.5 साल की सरकार, और ये प्रतिबद्धता और समर्पण तो उस समय भी देखा जब कोरोना काल ने दस्तक दी और उस बीच भी लगातार मंदिर निर्माण कार्य को जारी रखा और बहुत तेज गति से जारी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।